अखिलेश यादव, जिनके हाथ में आज समाजवादी पार्टी की कमान है, जो सांसद रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाई प्रोफाइल से दिखने वाले अखिलेश यादव का व्यक्तित्व कितना साधारण है और उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे पहलू जो उन्हें खास बनाते हैं, इन्हीं के बारे में कुछ जानेंगे हम उन्हीं के मिमिक्री आर्टिस्ट कुमार शशि जी से। कुमार शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NMF न्यूज़ पर। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि अखिलेश यादव से जुड़ी कोई ऐसी खास बात जो शायद उनकी जनता ना जानती हो। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पिछले एक साल से समाजवादी पार्टी के जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनकी आवाज़ निकालता था। नेताजी मुलायम सिंह यादव की आवाज़ निकालता था, चाचा शिवपाल यादव की आवाज़ निकालता था। तो ये वीडियोज़ जो जिस तरह आप लोगों ने देखे और उनको वायरल हुए जिस तरह से, तो एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के ने भी वो वीडियोज़ देखे और देख के वो बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने आवास पर मुझे मिलने के लिए बुलाया। ये पहला मौका था और मुझे बहुत खुशी हुई कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, कलाकारों का बहुत सम्मान करते हैं। जितने भी कलाकार हैं उनको हर तरह से नवाजा, उन्होंने सम्मानित किया, प्रोत्साहित किया, तो ये कलाकारों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और जब उन्होंने मुझे बुलाया और आवाज़ खुद सुनी और हर तरह का सम्मान दिया, तो ये बहुत अच्छी बात थी। जहाँ तक उनकी कोई ऐसी बात हो, तो मैं जब लखनऊ में गया, लोगों से मिला, उनके बारे में लोग सब उनकी तारीफ़ करते हैं। और मुझे तो याद है एक आंटी जी थी जो चाय की वहाँ दुकान लगाती हैं, उन्होंने मुझे देखा कि आप अखिलेश जैसे लग रहे हैं, तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि एक बार जब वो मुख्यमंत्री थे तो निकल रहे थे वहाँ से, तो वो आंटी जी जो थी वो चाय की दुकान लगाती थी, अखिलेश यादव भैया जो हैं वहाँ पर रुके। उन आंटी जी को उनकी पूरी स्थिति जानी कि उनका जो पति थे वो एक्सपायर हो चुके थे, बच्चे छोटे छोटे थे, वो वहाँ उन्हीं के साथ काम करते थे, तो सबकी उन्होंने मदद की, बच्चे वो स्कूल जाते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र था वो भी ऐसा ही है कि लोगों को उसमें मदद की गई, चाहे वो कन्या विद्याधन हो, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हो, साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन हो और एक्सप्रेस वे, इतना लोगों को सहूलियत हुई है उस पर, और 50 जिला मुख्यालयों को फोन लाइन से जोड़ना। तो समाजवादी पार्टी की जो सोच है वो यही है कि अगर तरक्की और खुशहाली चाहिए देश में तो रोडों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और समाजवादी पार्टी सबसे अच्छी बात जो है वो घोषणा पत्र में जो भी वादे किए उनको पूरा किया, बात के बहुत पक्के हैं। और घोषणा पत्र में जो नहीं था वो भी, जैसे मेट्रो, किसी भी घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं थी, मेट्रो बनवाई, लोगों को बहुत सहूलियत दी है, ये बहुत अच्छा उनका व्यक्तित्व है। और मैं तो उनसे 3 बार मिला हूँ, बहुत ही ज़मीनी स्तर के नेता हैं, कभी नहीं लगा कि जैसे मैं किसी नेता के साथ बैठा हूँ। बहुत बड़े नेता ज़रूर हैं लेकिन दिल उनका बड़ा दरिया दिल है। जैसा आपने देखा होगा जब वो मुख्यमंत्री थे तो एक टाइपराइटर की घटना आपको याद होगी, वो टाइपराइटर एक बुज़ुर्ग थे, चलाते थे GPO लखनऊ के पास, उनका टाइपराइटर दारोगा ने तोड़ दिया था। उनको जैसे ही मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री को जानकारी मिली, वहाँ तुरंत जो है DM SSP अधिकारियों को भेजा और उसको नया टाइपराइटर दिया गया और उसकी बैठने की व्यवस्था कराई गई। इसके अलावा जब नोटबंदी हुई देश में, सब लोगों को परेशानियां हुई, तो आपने देखा होगा कानपुर देहात में एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, लाइन में वो लगी हुई थी, तो इस घटना की जानकारी मिली तो उस बच्चे को और उसकी माँ को मदद पहुंचाई, उसका नाम खजांसी रख दिया गया। इसके अलावा और भी कई ऐसी घटनाएँ थीं, तुरंत जो है मुआवजे का प्रावधान ताकि लोगों को मदद पहुँच पाए परिवार को। तो ये बहुत ही अच्छी सोच समाजवादियों की है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि युवा बहुत पसंद करते हैं उनके, युवा आइकन है वो आज अध्यक्ष जी। और इस बात की भी खुशी है, अगर सबसे ज़्यादा युवा किसी पार्टी में तो समाजवादी पार्टी में है और आने वाले दिनों में एक बार वो फिर जनता की मदद करेंगे, आगे आएंगे, ऐसी मैं सोच रखता हूँ। कुमार शशि जी, आप मुलायम सिंह यादव की बहुत अच्छी मिमिक्री निकालते हैं, ये हमने काफ़ी सुना है, लेकिन उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कोई ख़ास बात जो आप बताना चाहें। देखिए, उनसे ज़िंदगी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जो हमने पढ़ी हैं, जानने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उनको धरती पुत्र कहा जाता है, अब आप समझ सकती हैं। और दुश्मन भी उनकी तारीफ करते हैं, देश के सबसे बड़े राजनीतिज्ञों में से मैं उनको सबसे ऊपर रखता हूँ, बड़े, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, धरती पुत्र उनको कहा जाता है। ज़मीन से निकल कर आए हैं, एक सैफी जैसे छोटे से गाँव में साइकिल के जरिए शुरुआत की थी अपनी राजनीति की और आज वहाँ तक पहुँची, लोकतंत्र की बहुत बड़ी देन है। और उनसे जुड़ी हुई बात, जब मैं इटावा में था बचपन में, शायद 9 या 10 साल का जब मैं था, तो वो रक्षा मंत्री बने थे,
रक्षा मंत्री बनने के बाद वो पहली बार आ रहे थे इटावा में, तो सभी को बहुत खुशी थी। मैं तब स्टूडेंट था, तो सब मिलने के लिए स्टेशन पर गए। ट्रेन आ रही थी, नेताजी उसमें आ रहे थे, तो सभी बच्चे जब स्टेशन पर उनसे मिलने गए तो नेताजी ने जैसे ही बच्चों को ड्रेस में देखा, क्योंकि वो अध्यापक भी थे उसी स्कूल के जिसमें पढ़ाई हो रही थी हमारी, तो उन्होंने जैसे ही हम लोगों को देखा तो तुरंत डांटा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपका काम पढ़ना लिखना, आप स्कूल जाइए। तो डांट के सबको स्कूल भेज दिया। तो नेता थे, रक्षा मंत्री थे, लेकिन एक अध्यापक का जो एक अंदर वो था वो भी हैं, और इसीलिए आज सभी लोग, चाहे विपक्ष में हो चाहे कहीं भी हो, सब उनकी इज्जत करते हैं। और मुझे खुशी है कि नेताजी देश को के रक्षा मंत्री जब बने तो बहुत से मुद्दे उठाए, जवानों को सहूलियतें दीं, चीन का मुद्दा है जैसे, तो कई ऐसी चीज़ें हैं। दूरगामी नेता हैं और वो जो सोचते हैं वो बिल्कुल सही सोचते हैं, और आने वाले दिनों में वो देश का प्रतिनिधित्व करें, मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। शशि जी, समाजवादी पार्टी का कोई संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हों? देखिए, समाजवाद को जितना मैंने पढ़ा है, और संदेश अगर सबसे बड़ा है तो वो माननीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का है। उन्होंने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती हैं, तो ये एक संदेश बहुत बड़ा है। और जो युवा हैं उनको इस चीज़ को सोचना चाहिए कि अगर सरकार आपके इरादों पर खरी नहीं उतर रही है, झूठे वादों पर आ गई है, झूठे वादे हैं और सरकार से जनता परेशान है, तो लोहिया जी की जो ये बात है उस पर आपको सोचना चाहिए और आगे आना चाहिए कि और जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती हैं। शशि जी, बस लास्ट में एक अखिलेश यादव जी की और एक मुलायम सिंह यादव की मिमिक्री हमारे दर्शकों के लिए। मैं यह कह सकता हूँ कि जो सरकार मौजूदा चल रही है, झूठे वादों को करके ये जो सत्ता में आई है, वो इन दिनों गाय गोबर चाय गंगा दंगा इन पे कंसंट्रेट कर रही है। और जो रोज़गार है, युवाओं को रोज़गार चाहिए, बच्चे हमारे जिस तरह परेशान हैं पढ़ाई लिखाई, और इन चीज़ों से अलग हट के जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल रहा है, उसको कम से कम आने वाले दिनों में युवा जाके ये समाजवाद की जो सोच है, जो हमारे काम है डेवलपमेंट के, उनको जनता के बीच रखेगी। और मुझे खुशी इस बात की कि जो युवा समाजवादी हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं। अखिलेश या मुलायम सिंह यादव का? हाँ, वो यही कहते हैं, फिर कहें कि जनता वही बताइए, धोखा दे रही सरकार, सांप्रदायिक दलों पर इतना वो कर रही है, सांप्रदायिक दलों मुसलमान भाइयों को परेशान कर रही है, किसान परेशान है, तो इस सब सोचना चाहिए। और आने वाले चुनाव में समाजवादियों पार्टी को आपसे मदद करें, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो ये थे हमारे साथ शशि जी, जिन्होंने पहले अखिलेश यादव जी की मिमिक्री करके दिखाई और फिर उसके बाद मुलायम सिंह यादव की, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी का संदेश भी दिया। आप देखते रहिए NMF न्यूज़।